एक साल से रह रहा हूं और यहां के नौजवानों के साथ बैठता हूं। यहां चाय का बहुत शौक है नौजवानों में, तो जब मैं बैठता हूं तो नौजवानों से बात करता हूं और अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की दुआएं लेता रहता हूं। तो मैंने देखा है कि जब मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में या खास तौर से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जब कोई बात होती है तो लोग बहुत मोहब्बत से कहते हैं, बहुत दिल से कहते हैं कि हाँ वो इकलौते शख्स हैं जो मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इस बात का लोग एहसास भले करते हैं लेकिन फिर न जाने उनके दिलों में, दिमागों में क्या बसा हुआ है कि जब मैं उठ के वहां से चलता हूं तो लोग कहते हैं, धीरे से कहते हैं कि अगर वोट दे दिया तो बीजेपी आ जाएगी। लोग ये कहते हैं कि अगर वोट दे दिया तो बीजेपी आ जाएगी। तो आप बुजुर्गों से और आप बड़ों से एक मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि मान लीजिए एक बार को आप सपा को या बसपा को या कांग्रेस को वोट दे देते हैं, सपा या बसपा को अगर आप वोट दे देते हैं और मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, मान लीजिए अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बन गए और यहाँ इस मेरठ शहर में आप दो चार विधायक भी जिता लो और हो सकता है दो चार मंत्रालय भी उनको मिल जाए, तो आप बड़ों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आज मुसलमानों के मसाइल है, जो नौजवानों के नौजवान मुसलमानों का जो मसाइल है, क्या वो हल हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि वो हल हो जाएंगे?